वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ कॉर्निया तो कॉर्निया में हमारी पांच डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं एक नई लेयर भी अब डिस्कवर हो गई है जिसे हम लोग प्री डेस्मिट्स या फिर दुआज लेयर कहते हैं तो अगर हम लोग एंटीरियर टू पोस्टीयर चलें मतलब आगे से पीछे की तरफ तो सबसे पहले एपीथीलीम होती है उसके बाद बॉमेंस होती है फिर सब्सटेंशिया प्रॉप्रिया या कॉर्नियल स्ट्रोमा होता है फिर डेस्मिट्स होती है और फिर एंडोथीलियम होती है जो हमारी एपीथीलीम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस टाइप होती है और वो जो बल्बर कंजेंटाइवा के एपीथीलीम के साथ कंटिन्यू कर जाती है लिम्बस पे इसमें फाइव टू सिक्स लेयर्स होते हैं सेल्स की जो डीपेस्ट जो या जो सबसे नीचे की तरफ जो बेसिक लेयर होती है उसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं उसके बाद दो से तीन लेयर में विंग या अम्ब्रा सेल्स होते हैं और सबसे जो सुपरफिशियल दो लेयर्स होती हैं वो फ्लैटेंड सेल्स की होती हैं सेकेंड इज बॉमेंस मेम्ब्रेन ये कंडेंस्ड कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं मतलब ये एक ए सेलुलर मेम्ब्रेन होती है इसमें सेल्स नहीं होते हैं सिर्फ कंडेंस्ड कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं ये बारह माइक्रोन होती है थिकनेस में थिकनेस में और ये कॉर्नियल स्ट्रोमा को बाइंड करती है विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपीथीलियम ये इंपॉर्टेंट बात है ये बाइंड करती है कॉर्नियल स्ट्रोमा को एंटीरियरली एपीथीलियम के बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं है बस ये सिर्फ एक कंडेंस सुपरफिशियल पार्ट होता है स्ट्रोमा का इट शोज़ अ कंसिडरेबली रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंट होती है लेकिन अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये डीजनरेट नहीं करती है और अगर कोई भी इन्फेक्शन या एबरेजन अगर बोमेंस के नीचे चला जाता है तो इट हील्स विद स्कारिंग अगर एपिथीलियल एब्रेजन हुआ है तो वो हील कर जाएगा विदाउट स्कारिंग लेकिन जो बॉमिन्स का इन्फेक्शन होता है दैट इट हील्स विद स्कारिंग थर्ड हमारी सब्सटेंशिया प्रोप्रिया होती है ये लगभग पॉइंट फाइव मिलीमीटर होती है थिकनेस में और ये नाइन्टी परसेंट ऑफ कॉर्नियल थिकनेस यही बनाती है इसमें कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं लेमिला जो कि एम्बेड होते हैं इन अ मेट्रिक्स ऑफ प्रोटीग्लाइकन्स मतलब कि ये फिब्रिल्स हो गए और बीच में जो मैट्रिक्स होती है ये प्रोटिओग्लाइकेंस की होती है तो लेमिली होते हैं ये बहुत सारे लेयर्स में अरेंज होते हैं इन ईच लेयर दे आर नॉट ओनली पैरेलल टू ईच अदर बट आल्सो टू द कॉर्नियल प्लेन जो लेयर्स होती हैं जो लेमिली होते हैं वो लेयर्स में अरेंज होती हैं और ये बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज होती हैं ये एक तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और कॉर्नियल प्लेन के भी पैरेलल होती हैं और इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट होती है हमारी कॉर्निया और लिम्बस पर ये स्क्लेरा लेमिली के साथ कंटिन्यू कर जाती है द ऑल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ लेमिला आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर जैसे कि अगर ये एक लेयर है तो दूसरी लेयर हमारी ऐसे होगी फिर ये तीसरी लेयर होगी और फिर चौथी लेयर होगी तो ऑल्टरनेटिंग लेयर्स एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं अमंग द लेमिला आर प्रेजेंट करेटोसाइट्स लेमिले में क्या क्या होते हैं लेमिले में हमारे करेटोसाइट्स होते हैं हमारे वॉन्ड्रिंग मैक्रोफेजेस होते हैं हमारे हिस्टियोसाइट्स होते हैं और कुछ ल्यूकोसाइट्स होते हैं फिर हम लोग बात करते हैं हमारी डेस्मिथ्स मेम्ब्रेन या पोस्टियर इलास्टिक लेमाइना की जो डेस्मिथ्स मेम्ब्रेन होती है ये एक स्ट्रॉन्ग होमोजेनस लेयर है विच बाउंड्स दी स्ट्रोमा पोस्टीरियरली स्ट्रोमा को आगे बाइंड करती है बोमेंस मेम्ब्रेन और पीछे बाइंड करती है हमारा डेस्मिथ्स मेम्ब्रेन इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू केमिकल एज एंड ट्रामा एन पैथोलॉजिकल प्रोसेसिज देअर फोर डेस्मेटोसील कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आई बॉल फॉर लॉन्ग डेस्मिट्स मेमब्रेन में हमारे कोलेजिन होती हैं डेस्मिट्स मेमब्रेन में हमारा कोलेजिन होता है और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं अनलाइक वोमेंस मेम्बरेन इट कैन रीजनरेट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट कैन रीजनरेट नॉर्मली इट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड वेन टर्न इट कर्ल्स इनवर्ड ऑन इट सेल्फ वैसे तो ये टेंशन में रहती है लेकिन अगर ये फट जाती है तो ये कर्ल कर जाती है इन द पेरीफेरी इट अपीयर्स टू एंड एट द एंटीरियर लिमिट ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर एज द शॉल शॉलबेज लाइन ये एंड करती है द टर्मिनेशन ऑफ डेस्मिस मेम्ब्रेन इज अ शॉल बेज लाइन फिर आती है हमारी एंडोथीलियम इसमें सिंगल लेयर होता है फ्लैट पॉलीगोनल मेनली हेक्सागोनल सेल्स का विच ऑन स्लिट लैम्प बाय माइक्रोस्कोपी एक मोजाक की तरह अपीयर करता है सेल डेंसिटी लगभग 3000 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है यंग अडल्ट में जो कि एज के साथ कम होता जाता है हमारे हमारी एंडोथेलियम का एक फंक्शनल रिजर्व होता है देयर फोर कॉर्नियल डिकम्पन्सेशन अकर्स ओनली आफ्टर मोर देन सेवेंटी ऑफ द सेल्स आर लॉस्ड कॉर्नियल डिकम्पनसेशन तभी होता है जब 75% परसेंट से ज़्यादा सेल्स हमारे डेड हो चुके हैं एंडोथीलियर सेल्स में हमारी क्या होती है एक एक्टिव पंप मेकैनिज़म होती है जो कि हमारी कॉर्निया को एक ड्राई और ट्रांसपेरेंट स्टेट में रखती है ब्लड सप्लाई की बात करें तो कॉर्निया एक ए स्ट्रक्चर है स्मॉल लूप्स विच इज़ डराइव फ्रॉम द एंटीरियर सीलेरी वेसल्स अगर ये हमारी कॉर्निया है तो कुछ छोटी छोटी लूप्स जो कि हमारे एंटीरियर सीलेरी वेसल से अराइज करते हैं वो लगभग वन मिलीमीटर mm तक इसकी पेरीफेरी को इन्वेट करते हैं पेरीफेरी को वन मिलीमीटर mm तक इन्वेट करते हैं एक्चुअली दीज लूप्स आर नॉट इन द कॉर्निया पर ये सब कन्जेंकटाइबल टिशू में होते हैं जो कि कॉर्निया को ओवरलैप करता है जो सब कंजेंकटाइबल टिशू होता है वो हमारी कॉर्निया को ओवरलैप करता है तो जो लूप्स होते हैं ये कॉर्निया में नहीं होते हैं जबकि ये सब कन्जेंकटाइबल टिशू में होते हैं बस ये कॉर्निया को ओवरलैप कर लेता है नर्व सप्लाई की हम लोग बात करें तो कॉर्निया इज सप्लाइड बाई द एंटीरियर सिलयरी नर्व विच इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑफथेलमिक डिवीजन ऑफ द फिफ्थ क्रेनियन नर्व फिफ्थ क्रेनियन नर्व इज अ ट्राइजामल ट्राइजामाइनल की एक ऑफथेलमिक डिवीजन होती है एक मैगजिलरी होती है एक मैंडिबुलर होती है तो जो ऑफेलमिक डिवीजन से हमारे एंटीरियर सीलरी नर्व्स आती हैं वो कॉर्निया को सप्लाई करती हैं नाउ आफ्टर गोइंग अबाउट टू मिलीमीटर इन कॉर्निया द नर्व दे लूज देयर माइलिंग शीट एंड दे डिड डाइकोटोमसली एंड फॉर्म थ्री प्लेक्सेस कॉर्निया में दो मिलीमीटर इन्वेट करने के बाद जो नर्व्स होती हैं वो अपनी माइलिन शीट लूज कर देती हैं और उसके बाद वो ऐसे डिवाइड करती रहती हैं डाइक डाइकॉटोमसली मतलब कि दो में डिवाइड करती हैं ऐसे ऐसे फिर ये दो में डिवाइड कर गई ऐसे 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 और ये तीन प्लेक्सेज बनाती हैं द स्ट्रोमल द सब एपीथीलियल एंड द इंट्रा इंट्रापीथीलियल एक होता है स्ट्रोमा में सबसे नीचे उसके बाद एपीथीलियम में सब एपीथीलियल और एक होता है इंट्रा इंटरापीथीलियम अगले वीडियो में हम अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय